हेलो, की हाल चाल साढ़े सारे दे। अज जी हैगा डे 3 ते आपा लंगर खा लिया, मथा टेक लिया ते बस गड्डी साड़ी रेडी हो रही है ते आपा निकलना फिर अज गुलमर्ग नूं। ते गुलमर्ग विच अगर उत्थे गंडोला राइड वैसे ते नहीं हो सकदी, ऑनलाइन बुकिंग हुंदी आ ओह पहले ही। ते आपा ऑनलाइन बुकिंग भी करना कीती सी, ट्राई कीती सी, पर वो गवर्नमेंट वैबसाइट है तो अंडर गवर्नमेंट ही है गुंडोला राइड। तो मतलब अगर तुसी 50-50% होंगे कि ताड़ी होंगी है नहीं, क्योंकि हमेशा जब भी तुसी वैबसाइट खोलोगे गुंडोला राइड वाली सानू अनअवेलेबल टिकट्स दिखाएगा। तो मैं ये पीछे तुसी देख सकते हो पार्किंग है, छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब जी की पार्किंग है ये। तो डबल स्टोरी हले बन रही है, हले फिलहाल थले ही है, उत्ते बन रहे हैं, पर एक उत्ते मशीन पई है, पता नहीं कितना पहुंची होगी। तो यह है साडा सराह हैगी है, इतने जो रूम्स है गुरुद्वारा साहब के रूम्स सू मैं दिखा दिता है कि दस दिता हो रूम के प्राइजिस की है। तो हूँ आप चल थोड़ी चाह पी ली है, वैसे मैं घर से चाह नहीं पीता हूँ, तो जो मैं घरों बहर निकलता तो मैं चाह पीना, जिथे भी जाता उत्थे चाह पीना। तो यह हैगा ये भी निवास है, तो उत्थे सामने वॉशरूम है। तो यह जो हैगा ब्लू वाला, इत्थे भाई साहब जिन्हें भी है पाठी वगैरह वो सारे स्टे करते रात को, मतलब इत ही रेंगे। और इधर वॉशरूम है एक, मतलब तीन चार वॉशरूम है, तो घर भी है लागे तागे, फिर वो सामने रोड आ जाता बस इदा ही। तो चलो आप चलते हाँ जी। तो साढ़े थोड़े मैंबर ज़्यादा हो गए सर कि आप फिर गड्डी एक और लई है, हूँ आप तैयार हो गया। चलो हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो जो आप टाइम कंज्यूम किया या वेस्ट किया फिर उत्थे सानू घट टाइम मिलेगा करने। सो हम आप चलते हैं, तो अभी इत्थे रुके सी एक पॉइंट पे, सानू साडे ड्राइवर ने कहा कि जो शूज़ है और जैकेट है वो मस्ट हैगी इत्थे। आप मतलब मिलते उत्ते भी जाते पर उत्ते जाके थोड़ा रेट हाई होने, जिहड़े तुसीं पहले आ रहे हो तो वो पहले जिहड़े तीन चार जोड़ते इतने थोड़ा रीजनेबल प्राइस मिल जाता। तो एक जैकेट लैनी, तो एक लैने शूज लेबर वाले, क्योंकि बर्फ से चलने के काम आने। ये है दुकान, तुम देख सकते हो। दुकान का नाम क्या है? दुकान नंबर 4 टंग मार्ग। दुकान नंबर 3 टंग मार्ग में, 14 किलोमीटर हले अगे है, पर लेकिन सानू पहले तो ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस करके जैकेट्स है, शूज है, जो चाहो तो इतना ले सकते हो, बाकी गुलमर्ग पे भी मिल जाते पर थोड़ा महंगा मिल जाएगा। जो जैकेट और जो शूज का प्राइस है वह है 400 रुपये कॉम्बो पर पर्सन, जिन्हें तुम जड़े आ रहे हो फिर ट्रिपल हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बार्गेनिंग करना चाहो तो बार्गेनिंग हो जाएगी। तो जो तुम अगों की लोगे तो फिर 500 पै जाएगा पर परसन, क्या देंगे 500-600, फिर बार्गेनिंग करन ना करन क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन बच जाता है। इतने चलो तेरे को ऑप्शन है, 4-5 दुकाना है, अगे एक दुकान होनी है या दो होनी, उन्होंने मोनोपोली चल रही है, इस करके तुम बार्गेनिंग कर सकते हो। इतने 400 रुपये पर परसन है जैकेट पर शूज़, 400 रुपये कॉम्बो दे पर परसन। हाँ जी, चालू हो रहा गुलमर्ग का रास्ता, इतों थोड़ा जो राह है वो सानू ऊंचाई वाल जानू मजबूत कर रहे हैं। इतने छोटे मोटे घर है और छोटिया दुकाना है। आप बहुत लगी है कि सानू बर्फ मिल गई है, यार देख के ना मन खुश हो गया है ना। अभी बस दूर दूर से पॉइंट दिखेगा, मगर मेरे हिसाब से आप एक चीज करो, बहुत ही बढ़िया हो गया, काम सेट हो गया, पूरी बर्फ शर्फ पई हुई है।
हाले तो आप गड्डी से आए हैं, हैगी खाली पार्किंग, गड्डी पार्क में लगा रहे हैं। अब ये इटी बाइक भी है, जैकेट की बड़ा पा लिया है, ज्यादा शूज अपने पा लिए हैं, आप बर्फ के उत्ते पैर रखना सीधा ही। आप हैंड ग्लव्स ले सके काम आते हैं, जो आप बर्फ से खेडना है हाथ से ठर जाने, पर जो ए पावे वो फिर थोड़ा सेफ्टी हो जाती है, जो मर्जी कर दे लोग ए पा के। चलो हम पाने आए हैं जी गुलमर्ग की धरती पे, कराया तो कह रहे कि कल कल परसों ही बर्फ पई है, तो वी आर वेरी लक्की, तो वी आर है तो देखोगे शॉप्स के उत्ते जो बर्फ पई है वो कल रात में पई है, जो कि उत्थे तो बारिश पै रही थी पर इतने पै रही थी स्नो, सो हमने भी स्नो पै रही है। दुकाना के उत्ते तुम वेखो तो बर्फ पई है, वो हमने फ्रैश पई है, ए भी जी बर्फ है वो फ्रैश है। चलो एक फिर अंदर ना वड़ जावा इतने तो वॉशरूम है जी, वॉशरूम ठीक है ठीक ठाक कम हो जाएगा, इतने तो चार्ज है 20 रुपए पर पर्सन। हाँ जी हाँ फ्रैश हो गए आए हैं बाहर, बाहर का नज़ारा जोड़ा है वो मतलब तीन 1000 रुपये भी खर्च लोगे तो ये किसी होर स्टेट से नहीं मिलना, ये मिलना तुम्हें कश्मीर से ही है वो भी गुलमर्ग, हाले वो कह रहे थे कि सोनमर्ग से शायद ही बर्फ होएगी, और पहलगाम तो ग्रीनरी है पूरी, मतलब थले भी ग्रास होंगी पूरी, मतलब जिमें कलर होंगे ग्रीन डार्क कलर वो तो पूरी इको ही कलर की ग्रास होंगी है पहलगाम, तो सोनमर्ग से व्डे व्डे उच्चे उच्चे जो ट्रैंगल है ना क्रिसमस वाले ट्री वो बहुत सारे है, तो थोड़ी बहुत स्नो होंगी है, छोटी मोटी नदियाँ इदा चल के आ रही होंगे, तो वह वाले बड़े स्पॉट्स है उसे इतने गुलमर्ग सामू, जो बहुत दूरों दूरों बंदे आते हैं स्पेशली फॉर स्नो, तो स्नो पै भी रही है, यह भी बहुत लकी है आप स्नो पै रही है, और सामने बर्फ पूरी मतलब डेढ़ दो दो फुट तक बर्फ है, मतलब जो मेरा शूज़ है वो 1.5 फुट का होएगा, एक फुट 1.25 फुट का होएगा, तो उस तो ज़्यादा भी बर्फ है डूंगी, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, एक बार तुम भी देखो, तो ये जो तुम बर्फ देख रहे हो ये कल रात को पई है, ये उत्ते भी जो तुम देख रहे हो ये कल रात को फ्रैश बर्फ पई है, इतने रेस्टोरेंट्स भी है छोटे मोटे, काफ़ी चीज़ा तुम खरीद सकते हो, तो ये सारी पार्किंग एरिया ठीक है, पार्किंग एरिया जब तुम खड़ी करके जाओगे तो अगों की तुम्हें एंट्री मिलेगी, फिर अगों की होर भी बहुत सारे स्पॉट्स है जिम्मे महाराजा प्लेस है, होर भी बहुत सारे उन्होंने वास्ते भी तुम कार अवेलेबल मिल जाएगी। वाह यार बर्फ गिर रही थी, देखो स्नो स्नो डिग रही है लाइव, ये शॉप्स है इतने गुलमर्ग के अंदर शॉप्स है, हले गुलमर्ग इतों स्टार्ट नहीं हुआ, यह सारी पार्किंग एरिया है, गुलमर्ग हले 2 किलोमीटर अगे है, गुलमर्ग हले 2 किलोमीटर अगे है, ये सारी मार्केट मतलब तुम देखो कि इतने भी इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, देखो यह सारी गड्डियां मतलब कितनी पब्लिक आती है, तुम आप हिसाब ला सकते हो, वड्डी गड्डियां भी आती छोटी भी आती हैं, कितनी सारी गड्डियां आती हैं, पार्किंग पूरी भरी पई है, तो ये मैनेज करना भी बहुत औखा है चीज़ों, एक तो बर्फ न एक वैदर मैनेज करना, और जो ये सारी चीज़ा मैनेज करनिया, और मेरे तुम इस सड़ देख सकते हो ये वाला नज़ारा नहीं मिलता कितने होर, 2-3 वाला टाइम आ गया, मैं हम दिखा बैक करके पैसा वसूल, हाय 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 बर्फ मैं कहनी कि सॉफ्ट है, ऐदा फड़ो ते ऐदा मारो, चलो
चलो हम आप एक ऐसे पार्किंग तो हो यार बर्फ नहीं इतों की हम जा रहे आप 5 किलोमीटर दूर पार्किंग तो। हाँ जी असि कार से बह गए तो तुम देख सकते हो मतलब ये हले पार्किंग जी सिर्फ जो मैं इस तो पहले वाली क्लिप देखी है सिर्फ हले पार्किंग सी तो इतों की बहुत ज़्यादा इंजॉय अगे होने वाला तो इतने ही बने रहो मैं तो इंजॉय कर रहा जो वेख तुम भी जो खुश हो सकते हो तो वीडियो को पूरा देखो बाकी मैं तो कोशिश कर रहा कि खुद खुश हो सकता इस करके मैं वीडियो बना ये है जी के टी वी ये भी चलती है पर इस चीज़ का रिस्क है वो यार धुंध देखो इतों की अपनी गड्डी इतने पार्किंग लगानी होंगी है क्योंकि अगे रिस्क होंगे इस करके दूजे की गाइड न चलना होंगे तो अपनी गड्डी नहीं जा सकते इस तो उत्ते जे इस उत्ते अपनी गड्डी लैके जानी फिर ओन रिस्क होंगे क्योंकि तुम कार देख सकते हो पूरी धुंध है सो कुछ नज़र नहीं आता रो जो राह है बहुत छोटा है टू वे राह कोई छोटा स्नो कितनी तगड़ी पै रही है आप तुम देख सकते हो स्नो पै रही है वो तो यह है साडा जी डी ए हट नंबर 3 ये पहला स्पोर्ट है ये हट है इतों के नीचे आप आने सारी जगह सुनो पै रही है तो देखो तो धुंध भी बहुत हो रही है कहते कि अज थोड़ा मौसम ज़्यादा ही तगड़ा हो गया बहुत ही तगड़ी स्नो पै रही है आप जा रहे हैं महाराजा पैलेस जिते बहुत सारी एंटिक चीज़ा पाया देखे कि यार तो खाई हैगी है पूरी बर्फ की साड़ी कटे इतने हैगी पूरी बर्फ महाराजा पैलेस पूरी बर्फ से ढकया यार स्नो आ रही है तुम देख सकते हो यार चॉकलेट देख रही है यार क्या ये वाला बिजनेस नहीं समझ आता बाकी सब बिजनेस समझ आते हैं महाराजा पैलेस देखो जी तो महाराजा पैलेस चालू हो जाता ये काफ़ी सारी उस टाइम दी पुरानिया महाराजा हरी सिंह इन यूनिफॉर्म महाराजा हरी सिंह महाराजा श्रीमती तारा देवी तो कुछ सिटिंग एरिया मतलब क्या बात है ये तो जिम्मे छोटा महल नहीं होता छोटा पैलेस उसका एक्सपीरियंस ला रहा है इन्नी हाइट से आके ये सब चीज़ा मेनटेन रखनिया ये वाली चीज़ वही गल है बना लेनी कि थले बना लेनी वो वही गल नहीं है इन्नी हाइट से आके ये चीज़ा मेनटेन रखनिया बना के छड़ देना वो भी वक्री गल है पर यह चीज़ा बना के मेनटेन रखनिया ये बहुत वही गल है यार थले लकड़ वाहेगुरु वाहेगुरु ओ यार माय गॉड बाहर स्नो पै रही है बाहर स्नो पै रही है अंदर आप आ गए यार काफी बड़ा मैंने ना पता कि इन्ना बड़ा है इस जगह से उस टाइम ते देख सकते राजा हरी सिंह जी उन्होंने चीजें डाइनिंग टेबल हम आप चले थले भी कुछ है बहुत ही अच्छा बनाया है राजा महाराजा हरी सिंह जो सी इतने रेंगे होंगे
माय गॉड देखो तुसी लाइव स्नो पै रही है तो इत ये पता नहीं कि शायद मेरे कल फोटो स्पॉट ही है इस टाइम पूरी लाइटिंग कर रखी है इन्नी सारी चेयर्स को रखी है उन्होंने सारा लकड़ था थले पूछने देखो चॉकलेट किन्नी दी है कितने कितने की है पाजी कितने कितने की है कितने की है 40 की दे दो किटकैट है चलो ये किटकैट एक महाराजा 40 की हां पर ये मिल दिया चलो पता नहीं कितने की मिल दिया चलो जितने भी मिल दिया चलो भाई 40 दे दो उसको साहब जी को 40 काट लो 10 और ओके थैंक यू लो जी कट ले लिया खाने किटकैट गड्डी बह के ये देख लिया आप महाराज तो किटकैट चल रही है इंजॉय हो रहा मजा आ रही है मजा अगर गड्डिया भी आ रही हैं गड्डिया में देख के चलना पड़ेगा ओह माय गॉड ये तो पहाड़ देखो कि वे वे पहाड़ ही बड़े तगड़े हैं सब देख के चलना पैना गड्डिया आ रही हैं और कर जा रहे हैं अगे तो शॉप पे हले वो सब कवर हो गया अपना 400 फोर रहते हैं आगे जाके तक छत्ता बड़ी अच्छी लगती है जो रूफ होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है सुनो ये तो हैगा जी चिल्ड्रन पार्क जी टिकट हैगी है 10 रुपये चेक करो बेटी भी है इतने चल रही है स्पोर्ट्समैन 570 दो है इतने और कुछ स्पोर्ट्स है जो तुम इंजॉय करना चाहो फैमिली के नाल अंदरों जाके हो के आ सकते हो फोटो वीडियो जो तुम चाहो कर सकते हो स्नो बहुत तली पै रही है और बुरी तरह फंस गई है गड्डी वो देखो गड्डी वो देखो पई हुई है साड़ी गड्डी खराब हो गई इतने बहुत ज़्यादा स्नो पैन की वजह तो एक अगे भी गड्डी हैगी है वो भी बंद हैगी है बहुत ज़्यादा रिस्की है आओ तो अपने रिस्क ही आओ जी तुसी गुलमर्ग आ रहे हो तो अपना ताड़ा ड्राइवर पूरा एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए नहीं तो तुसी फंस जाओगे क्योंकि रोड ते गड्डी चलाना वक्री गल है पहाड़ा च गड्डी चलाना वक्री गल है बड़ा बर्फ ते गड्डी चलाना उन्होंने सलूट है ड्राइवर जे तुसी गड्डी कर रहे हो मस्ट उन्हों ए पूछो कि तुसी कदों तो गड्डी कर रहे हो तो सही चला लेंगे कि नहीं ऐदे किसी ने गड्डी करो सही मैं मजाक नहीं कर रहा जो जो मैं वेखी आया ना गड्डी रस्ते डिगी पई सी रस्ते डिगी पई सी
बाइक का शुक्र है कि वह पलटी नहीं, वो मतलब उत्थे खाई है तो सीधा चली गई, बस पलटन रह गई तो बंदे बच गए तो निकल गए। तो मैं सीन विखा नहीं पाया क्योंकि मैं आप ही डर गया, बाइक ने बचाया तो ठीक है। कश्मीर बहुत सोहना है पर बहुत डरावना भी है, यह ध्यान रखना। हम आप जा रहे हैं इतों की श्रीनगर वापस, तो उत्थे जाके होएगा, मैं बहुत थक गया, बहुत कुछ ऐसा वेख लिया खतरनाक। तो अज पूरा एडवेंचर हो गया, मैं कि बयान नहीं कर सकता। ये छोटी जी शॉप चर रुके हैं तो आप चाह लीती हैं कुछ कप, तो सेफ नहीं है, सानू जल्दी जाना पैना क्योंकि ड्राइव खुद ही करके जाना कार में, देख देना अच्छ की होंगे गड्डिया कि लाइया हैं। स्कॉर्पियो इधर डांस कर दिया शीशा खुला थे थले खुला पिछा पूरी उतो तक पी हुई है बड़ी कम कर दी है पर बहुत पैगी है लेकिन आ गया टंगमर्ग रात। कोई गल नहीं, लेट तो जल्दी रहा है साढ़े बच्चे, घट्टो घट भी होनी है 500 कार होनी है, 500 तो ज़्यादा ही होनी है। आप जितों के आप शूज़ लाए सी और जैकेट लाई सी उन्होंने आप वापस कराना है, वापस करके फिर आप जाने अपने छठे पातशाही गुरुद्वारा साहिब।